dear student, today we will discuss sp3 hybridization. Lecture is for hybridization. और हाइब्रिडाइजेशन में हमने तीन हाइब्रिडाइजेशन पहले डिस्कस कर लिए, sp2 एंड sp3। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिए पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे, दैट इज sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल इज pcl5। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हमने देखा है कि जो सेंटर मेटल होता है उसी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सेम विद नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर पार्टिसिपेटेड इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेंटर एटम इज फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर इज 15, कॉन्फिगुरेशन इज s1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p3। लास्ट भी क्या ये 10 और ये हो गए आपके 15। अब आउटर मोस्ट शेल में जो भी ऑर्बिटल्स होंगे वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनर शेल वाले कोई भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 3s2 मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसके बाद p जो है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हम 3 ऑर्बिटल्स में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सिंगल सिंगल एक एक जो है वो सबसे पहले उसको फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर होगा 3d5। अभी तो ग्राउंड स्टेट में ये एम्प्टी है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, पर जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जाएंगे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन 3s का जंप करके जाएगा 3d। तो ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, ये 3d हो गया, ये तो ग्राउंड स्टेट वाली स्थिति है। जब हम इसमें एनर्जी देंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और 3d में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में पोजीशन क्या हो जाएगी, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और यहाँ पर 3d में चला जाएगा। ये थोड़ा सा एक ही शेल के सारे ऑर्बिटल्स है तो एनर्जी थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, बट ये ट्रांसफर हो सकते हैं थोड़ी सी एनर्जी दे करके। अब देखिएगा इसमें आपको 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं, एक s का, 3 यहाँ पर p के हैं और एक d का है। टोटल यहाँ पर 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चूंकि एक s का है इसलिए हमने s लिखा, 3 p के हैं इसलिए हमने उसको 3 बोला, और एक d का है इसलिए हमने उसको 1d लिखा। तो इस वजह से उसका टाइप क्या बन गया, sp3d। तो टोटल कितने हो गए 5। तो 5 यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं, और उन पर सभी पर कितने 5 क्लोरो को हमको जोड़ना है, क्लोराइड आयंस जो है, मतलब आपके क्लोराइड का जो एटम्स है वो आपके क्लोरो एटम जो है वो आपके 5 ऐड होने वाले हैं। तो 5 ऐड होने वाले हैं तो क्लोरीन का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, सेंटर मेटल का। अब देखो ये 5 ऑर्बिटल्स है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस लेकर के अपना मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हैं। तो कैसे लेते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस और क्या इसका शेप बनता है वो अपन देखेंगे। देखो यहाँ पर द शेप ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। अब इसमें हम सेंटर मेटल जो है फॉस्फोरस इसको सेंटर में लेते हैं, और इसके बाद हमको 1, 2 and 3 ये क्लोरीन तो आपके यहाँ पर ट्राइगोनल है, जो आपका ट्राइगोनल शेप जो होता है उसमें ये रहेगी। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। पर यहाँ पर जो दो और क्लोरीन ग्रुप है वो कैसे ऐड होंगे, तो ये दोनों क्लोरीन ग्रुप प्लेनर में नहीं होकर के बल्कि अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होंगे। अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन को हम किस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे कर सकते हैं, एक सीएल और एक सीएल
120 डिग्री के एंगल और 2 जो बनेंगे वो 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। ऐसे करके आपका ये पूरा शेप जो है वो बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया SP3D। अब आपको इसी में हम समझते हैं SP3D2 जो एक दूसरा टाइप का है और उसका एग्जाम्पल आप लिखिएगा SF6। SF6 में सेंटर मेटल है सल्फर, एटॉमिक नंबर इज 16, कॉन्फिगरेशन विल बी 3P4। थोड़ा थोड़ा सा चाहिए, एक ही बस आपको बढ़ाना, 3P4 है मतलब ये यहाँ पर एक और होगी, है ना। तो अगर ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो आपका जो भी कॉन्फिगरेशन है वो 3S2 और 3P4 है, पर जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टी में और यहाँ से आपको कितने F ऐड करना है, 6F ऐड करना है, मतलब आपको 6 यहाँ पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की नीड है। तो अब यहाँ से ये आपका मूव करेगा 1, यहाँ से मूव करेगा 2, जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन उठेंगे और कहाँ पर चले जाएंगे, डी में चले जाएंगे। अब पार्टिसिपेशन देखो, आप 1s, 3p और d कितने हैं, 2, इसलिए टाइप कौन सा बन गया SP3D2। और टोटल आप देखिएगा 3+1 4+2, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस लेकर के आपको यहाँ पर अपने को शेप बनना है, उसी से ज्योमेट्री बनना है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जब लेते हैं तो उसका शेप बनता है ऑक्टाहेड्रल। कैसे बनाएंगे देखिएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप बनाने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे और बीच में सेंटर मेटल सल्फर है, बाकी आपको 4 क्वार्टर से आप 4s+ मतलब इसमें बॉन्डेड हो जाएंगे क्योंकि आपके पास सारे हाफ फिल्ड हैं, तो फ्लोरीन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेगा एक, वही उसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, तो सारे यहाँ पर पूरे फ्लोरीन जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, मतलब एक फ्लोरो, दूसरा फ्लोरो, तीसरा फ्लोरो, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे आपको 6 फ्लोरो ऐड हो जाएंगे, सबके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वो वहां पर आकर के कंबाइंड हो जाएगा, कंबाइंड होकर के ये बॉन्डेड हो जाएंगे और यहाँ से आपका ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये सारे जो है वो आपके फ्लोरीन के सारे ये 6 में आपका पूरा ऐड हो जाने वाला है, तो 4 फ्लोरो तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब जो 2 आपके रिमेनिंग है ना, तो अगेन जैसे हमें एक देखना है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, तो यहाँ पर जब हम एंगल बनाते हैं तो ये सारे एंगल्स कितने के बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे, सारे एंगल 90 डिग्री के बनेंगे और जो आगे के आगे पीछे के 2 है वो भी 90 के बनेंगे, मतलब ऑल 6 बॉन्ड एंगल, ऑल 6 बॉन्ड एंगल विल बी 90 डिग्री, कितनी की 90 डिग्री के ही रहेंगे। और द नेम ऑफ द शेप इज ऑक्टाहेड्रल शेप रहेगा, 6 एंगल 90 डिग्री के रहेंगे। ये हो गया SP3D2। और एक और आपको देख लेते हैं SP3D3 और एग्जाम्पल इज IF7, सेंटर मेटल इज आयोडीन, एटॉमिक नंबर इज 53, लास्ट जो इसका कॉन्फिगुरेशन जाता है वो लास्ट का बस अपन देख लेंगे तो वो रहेगा 5s2 5p5 5s2 5p5। तो अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या बनने वाला है, तो सेम रहने वाला जैसा फ्लोरीन का है वैसा ही आयोडीन का, क्योंकि ये भी हैलोजन सी है और ये भी आपका 17 ग्रुप में है, तो अपन यहाँ पर 5s2 और 5p5, एक 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 आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और वही चीज अनपेयर्ड हो जाएगी डी में। अभी अपन जितने भी देख रहे हैं सभी को क्या करना है, डी में ही अनपेयर्ड करते चले जा रहे हैं, डी में मूव कर रहा है, पहले एक की नीड थी तो एक जंप हुआ, दूसरे में 2 की नीड थी तो 2 जंप हुआ, उसमें 3 की जरूरत है तो 3 जंप होंगे तो
1, 2, 3 एक्साइटेड स्टेट में ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जंप हो जाने वाले हैं, 5d में। तो ये 5d है, तीन इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे 1, 2, 3, ये आपका 5p हो गया, ये आपका 5s हो गया। अब पार्टिसिपेशन कितने का हो रहा है, 1s, 3p, 3d, तो टाइप क्या हो जाएगा, sp3d, sp3d3। तो यहाँ पर ये आपके s के लिए d3 का पूरा जो है, यहाँ पे कितने आपके 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 ही उसमें, सॉरी IF4 नहीं है, IF7 हो, IF4 नहीं है, IF7 इसका एग्जांपल करेक्शन कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पर IF7 हो जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन, कितने आपने को फ्लोरो ऐड करना है, 7 फ्लोरो ऐड करना है, तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 7 फ्लोरो जो है वो इस पर ऐड हुआ है। अब इनका जो शेप देखते हैं ना, तो शेप देखिएगा हम क्या करेंगे, द नेम ऑफ द शेप इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सेंटर मेटल आयोडीन, जो आप पेंटागोनल मतलब जो आप यहाँ पर 5 आपके F लग गए, इनके एंगल की बात करें तो 72 डिग्री का एंगल, तो 5 एंगल्स जो है वो 72 के हैं, 5 एंगल्स आर 72 डिग्री, और जो रिमेनिंग 2 है वो अगेन नहीं होगा अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, तो 90 डिग्री के होंगे, तो रिमेनिंग 2 एंगल्स विल बी 90 डिग्री। ये टोटल है, द नेम ऑफ द शेप इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहेगा, एकदम सिंपल तरीके से बनाइएगा, 2 आयोडीन और बनेंगे इसमें, 2 फ्लोरो आपके और बनेंगे, 2 फ्लोरो आपने यहाँ पर ये बना दिए, ऐसे करके 7 फ्लोरो इसमें बन जाएंगे। तो आई होप मैंने बहुत ही कम समय में तीनों हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया है, ऐसे ही मैं बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको देती रहूंगी, ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो और आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। यदि आपको पसंद आ रहा है मेरे वीडियोस तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।